हम इस वीडियो में जानेंगे कि आपका 36 नंबर वायर या फिर 35 नंबर वायर, कौन सा वायर आपके सीलिंग फैन में वाइंड करने के बाद आपको अच्छी स्पीड देगा। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि यदि आप कई बार 35 नंबर से वाइंड करते हो और कभी आप 36 नंबर से वाइंड करते हो, तो इन सब में से सबसे बेहतर स्पीड कौन से वायर से वाइंड करने पर आती है, तो आज हम इसी बात पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों काफ़ी लोगों का कमेंट भी आ रहे थे कि सर ये बताइए कि यदि हम 35 नंबर से वाइंड करें किसी सीलिंग फैन को तो उसकी स्पीड कैसी आएगी, और यदि 36 नंबर से वाइंड करें तो उसकी स्पीड कैसी आएगी। देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेटर पड़े हुए हैं, आपको यहाँ बहुत सारे स्टेटर नज़र आ रहे होंगे। तो जो मेरे हाथ में स्टेटर है और एक यहाँ सीलिंग फ़ैन है जो कि मैंने रिवाइंड किया हुआ है, बिल्कुल ओके कंडीशन में ही इसको रिवाइंड कर रखा है, इसकी स्पीड अच्छी आएगी। ये सीलिंग फ़ैन इसलिए रखा है क्योंकि मैं यहाँ रिवाइंडिंग करता हूँ, यहीं पर मैंने रखा है। सीज़न अभी चल रहा है दोस्तों और कई जगह पर चलने वाला है, तो हमारे पहाड़ में अब जाके सीज़न चलेगा वाइंडिंग का, तो मैंने पहले ही स्टेटर भर करके रखे हैं। ये 14+14 स्लॉट के हैं और इन सब के साइज़ जो स्टेटर की थिकनेस है वो अलग अलग साइज की है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने किस वायर से इसको वाइंड किया हुआ है वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो काम होता है ना दोस्तों, मेरे काम में कोई कंप्लेंट नहीं होती, क्योंकि मैं बिल्कुल स्पाई से और अच्छे से जो तरीके से पंखा रिवाइंड होना चाहिए उस तरीके से मैं रिवाइंड करता हूँ। और एक मेरे पास यहाँ पर रील भी पड़ी हुई है, बताऊँगा कौन सा नंबर है और कौन सा नंबर मैं यूज करता हूँ। और दोस्तों हमारे पास जो सीलिंग फ़ैन रिवाइंड करने के लिए जितने भी आते हैं, ठीक है दोस्तों, जौन सा भी सीलिंग फ़ैन आता है तो किसी में 36 नंबर होता है लगा हुआ, किसी में 35 नंबर होता है लगा हुआ। अब मैं आपको बता दूं, जो कंपनी का जो अपना सीलिंग फ़ैन आता है, कोई भी हेवल्स का है, बजाज का है या फिर ल्यूमिनस कंपनी का है, तो वो क्या करती है कि वो CNC मशीन में रिवाइंड करती है जिसमें कि वो यूज़ करती है नंबर 36 नंबर या 37 नंबर, क्योंकि जो 36 नंबर है और 37 नंबर वायर है उनका इस्तेमाल, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, उनका इस्तेमाल जो अपने स्लॉट में है ना, अपनी जगह वो कम घेरेगा और जो कोयलों के बीच का गैप है, जो दोनों कोयलों के बीच का गैप होता है ना, तो वो आपस में टच नहीं होती, आपस में शॉर्ट होने का डर बहुत कम रहता है। तो दोस्तों मैं यूज़ करता हूँ 35 नंबर वायर यूज, और आप भी 35 नंबर से ही वाइंड करें, स्पीड